इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है बुलडोजर पर। ये सारे बुलडोजर उस कैंपेन का हिस्सा थे जिसके जरिए 3 घंटे तक जिस ऑपरेशन का आप जिक्र कर रहे थे उस दौरान ये बुलडोजर चला है और जो अवैध निर्माण थे, जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे, उन इलीगल इंक्रोचमेंट पर ये बुलडोजर चला है और अवैध निर्माण ढाया गया। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है कि यथा स्थिति यहाँ पर बनी रहे, कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। ऐसे ही एक बुलडोजर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और बुलडोजर आप देखिए एक सियासी टूलकिट के तौर पर डेवलप हो चुका है। अगर सरकार को सख्ती दिखाना है, अगर सरकार ये शो करना चाहती है कि वो दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है या फिर जो पत्थरबाजी जिहादी गैंग है उन जिहादी गैंग पर सरकार एक्शन लेते हुए खुद को दिखाना चाहती है तो उसके लिए बुलडोजर का सहारा। उत्तर प्रदेश में यही मॉडल चला, मध्य प्रदेश में यही मॉडल चला और अब देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे ही बुलडोजर को सहारा बनाया गया है ये दिखाने के लिए कि अगर हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर पथराव होता है, अगर अनरेस्ट फैलाने की कोशिश होती है, अगर ये साजिश होती है कि यहाँ पर एक बार फिर से दंगा फैले जैसे कि 2 साल पहले फैला था, तो ये दिखाने की अगर कोशिश होती है तो यहाँ पर सरकार ने ये तय किया जो दुकानें बाहर की ओर बनी हुई थी, जो नाले थे जो कि उनके जरिए जिस तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया था वहाँ पर सब जगह ये बुलडोजर चला है और लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर के जरिए ये दिखाने की जरूर कोशिश की गई है और इस पर सियासत भी गर्म है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार इस पर पक्ष विपक्ष की जो राय है, पत्थर चलता है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार का जो रवैया है बुलडोजर के सहारे, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष फिर इस बात पर जवाब नहीं देता है कि अगर यहाँ पर पत्थर चले, अगर यहाँ पर तलवारें लहराई गईं, अगर यहाँ पर लाठियां चली तो उस दौरान आखिरकार वो इसको डिफेंड क्यों कर रहे थे। अंसार की तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से पुष्पा का वो सिग्नेचर स्टाइल में पोज दे रहा था, हेकड़ी किस तरीके से उसने दिखाई, 24 से ज्यादा लोग गिरफ्त में है।